गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले 2-3 दिनों से मैं फेसबुक लाइव आप लोग से मिल नहीं पाया, क्योंकि कुछ यहाँ विधि व्यवस्था की बात थी और फेस्टिवल, जैसे आप जानते हैं यहाँ फेस्टिवल चल रहा है, उसी क्रम में बिजी होने के कारण नहीं आ पाए। आज हम फिर आपके बीच उपस्थित हैं। कुछ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम अभी फेस्टिवल्स की अवधि चल रही है और विशेष रूप से सिवान में यहाँ पर महावीरी झंडा काफ़ी धूमधाम से लार्ज स्केल पर मनाया जाता है। तो यह भी पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, विभिन्न जगहों पर अलग अलग तिथि पर निकल रहा है। और हम अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने जिला के सभी लोगों को काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे कि अब तक जो निकला है महावीरी झंडा, उसमें लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है प्रशासन को और काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग महावीरी झंडा निकाल पा रहे हैं। इस बीच एक बहुत अच्छी बात हुई है कि कल हम लोगों के यहाँ 6 तारीख और 7 को चेहल्लूम का भी जुलूस निकलना था, और विशेष रूप से शहर में, सिवान शहर में, और 7 को और 9 को महावीरी झंडा भी निकलना था। 7 तारीख को दिन में चेहल्लूम का जुलूस निकलना था, जो अमूमन 11-12 बजे रात तक चलता है, और फिर महावीरी झंडा भी जो निकलना होता है जन्माष्टमी के दिन, तो वह 10 बजे के बाद से निकलता है। तो यह संभावना बन रही थी कि चेहल्लूम का जुलूस और महावीरी झंडा का जुलूस दोनों का समय शायद क्लैश करेगा, तो कोई किसी तरह कोई कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने दोनों आयोजन समिति से बात किया था, उस शांति समिति वाले लोगों से भी बात की थी, और दोनों आयोजन समिति वाले से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि चेहल्लूम का जुलूस को विशेष रूप से ऐसा ऑर्गेनाइज करा जाए कि 9 बजे रात्रि तक चेहल्लूम का जुलूस समाप्त हो जाए, और महावीरी झंडा जो निकलना है शहर में, सिवान शहर में, वह 10-10:30 बजे से न निकल के 12 बजे रात के बाद निकले, ताकि दोनों जुलूस के बीच में कम से कम 3 घंटा का गैप हो। तो लोगों ने आश्वस्त किया था और हम लोगों को था कि शायद इस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो करनी थी की गई थी। लेकिन हमारी फेसबुक लाइव के माध्यम से काफ़ी खुशी के साथ, और आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो लोगों ने कमिटमेंट किया था कि चेहल्लूम का जुलूस 9 बजे तक ख़त्म कर देंगे और महावीरी झंडा 12 बजे रात के बाद ही उठा निकालेंगे, तो कल जो चेहल्लूम का जुलूस निकला था, वाकई में 9:20 पर हमको सूचना दी गई थी कि चेहल्लूम का जुलूस पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह हुई थी कि चेहल्लूम का जुलूस, जो चेहल्लूम का जुलूस निकलता है उसके बाद एक नई किला में एक मैदान में मेला लगता है जो काफ़ी लेट नाइट तक चलता है, लेकिन हम लोगों के रिक्वेस्ट पर वहाँ के लोगों ने भी मेला का आयोजन भी 9:30 बजे तक समाप्त कर दिया था। और जो महावीर झंडा अखाड़ा वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी हम लोगों के बात को मानकर 12 बजे रात के बाद ही महावीर झंडा का प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार जो इस तरह का लोगों ने कल सहयोग दिखाया है और जो प्रशासन को जिस तरह से सहयोग किया है, वह बहुत ही खुशी की बात है। और इसके लिए हम जितने भी हमारे जिले के लोग हैं, विशेष रूप से शहर के और जो ये आयोजन समिति से जुड़े लोग हैं, उन सबको हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना अच्छा कोऑपरेशन हुआ। और हम लोग जो पहले से हर त्यौहार में देखते आए हैं कि यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द का हम लोग पूरा उच्च कोटि का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो कल यह वाकई में इसको और मजबूत करने का हम लोगों ने काम किया है कि दोनों समुदाय के लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से चेहल्लूम का जुलूस भी निकला और महावीर झंडा का जुलूस समाप्त हुआ। हालांकि महावीर झंडा का जुलूस अभी 9 तारीख को होना बाकी है, लेकिन जिस तरह का कल हम लोगों ने किया है और जो अभी तक जिले में महावीर झंडा का चल रहा है और जिस तरह का सहयोग प्राप्त हो रहा है प्रशासन को, उससे पूरा हम लोगों को यकीन है कि हम 9 तारीख को जो शहर में होगा उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समय के अनुसार, जो हम लोग समय निर्धारित कर रहे हैं उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, पहले भी कहा था कि हम लोग त्यौहार खूब अच्छे उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे लोगों को कष्ट हो। इस बात को अगर हम ऐसा हम ध्यान में रखें तो त्यौहार का और आनंद और भी बढ़ जाता है, और प्रशासन 24 घंटे आपके सेवा के लिए तैयार है और प्रशासन हमेशा वहाँ मौजूद रहती है, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित रहता है, आम लोगों का सहयोग अपेक्षित रहता है, तभी हम लोग इतने अच्छे से करा पाते हैं। तो कल जो 7 तारीख को जिस तरह का यहाँ पर लोगों ने सहयोग किया है, वह काबिले तारीफ है। और हम पुनः सब आप सभी लोगों को जो आयोजन समिति से जुड़े थे, चेहल्लूम के हों या महावीरी या खारा के हों, शांति समिति के लोग हों और शहर के लोग हों, सारे लोगों को काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे, दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और आशा उम्मीद करेंगे कि 9 तारीख को भी इसी तरह का शहर में हम लोगों को सहयोग मिलेगा, लोग अनुशासन का परिचय देंगे। इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि अभी महावीर झंडा का जुलूस हम लोगों के जिला में लगभग छठ के समय तक चलेगा, अलग अलग थाना क्षेत्र, अलग अलग गाँव में, अलग अलग दिनों पर निकलेगा, लोग काफ़ी उत्साह में निकालते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। तो जो अभी हम लोगों के जिले का ट्रेंड चल रहा है और जो पहले चलता रहा है, हम लोग यही चाहेंगे और आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इसी सौहार्द के साथ और इसको बढ़ाते हुए हम लोग अपना त्यौहार मनाएं, और हमेशा यह प्रयास करें
कि किसी तरह से किसी को कोई कष्ट नहीं हो, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, और प्रशासन तो हमेशा आपके सेवा के लिए तैयार है, प्रशासनिक व्यवस्था रहती ही है, लेकिन आप लोगों का सहयोग इसी तरह होता रहे और हम लोग अच्छे से त्यौहार को संपन्न कराएं, ताकि कोई समस्या नहीं हो, और कोई समस्या होती है तो तरह तरह की बातें होती हैं, आम लोगों को भी कठिनाई होती है, प्रशासन को भी काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। तो इसी सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में हम लोग सारे त्यौहार को मनाएं, और डे हम लोग जो भी त्यौहार आगे आने वाला है उसमें हम लोग प्रयास करें कि यह सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति और मजबूत हो और हम लोग बेहतर से बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर सकें अपने जिला के लिए। इसलिए मैं पुनः सभी जिलावासियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यह तो हमारा पर्व का था। इसके अलावा हम लोग जो फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं तो आपकी जो समस्याएं आ रही हैं यह हम लोग देखते हैं टेक्स्ट के माध्यम से, और हम लोग प्रयास करते हैं कि इसका समाधान हो, और आपको रिप्लाई भी करते हैं। तो पुनः भी हम आपके साथ हैं, हम चाहेंगे कि आप लोगों को अगर कोई ऐसा समस्या हो जो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर करें, उसको हम लोग देख रहे हैं और हम लोग नोट भी करते हैं। यहाँ पर हमारे कार्यालय के भी लोग रहते हैं, नोट करते हैं और हम लोग उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो यदि कोई आपकी समस्या, मैं फिर रिपीट करूंगा कि कोई गोपनीय सूचना या कोई गोपनीय बात हो विशेष महिलाओं के बारे में, तो इस प्लेटफॉर्म पर कृपया शेयर ना करें। गोपनीय सूचना आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई समस्या है तो आप टेक्स्ट मैसेज करिए, मैं देख रहा हूँ। महाराजगंज FIR नंबर 5223 का फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में नहीं आया है, नोट कर लिया है, मैं फाइल देख के इसको देख लूँगा। सद्दाम सिवान, आप कुछ कमेंट कर रहे हैं, इसका कोई प्रमाण दीजिए मेरे पास, जो आप बता रहे हैं इसका कोई प्रमाण दें आप, ऐसे एक जनरल कमेंट नहीं करें, आप प्रमाण के साथ बात करिए। नदीम अहमद, छाप गांव के बगल में हरदिया गांव के तो किसी का बकरा साइकिल चोरी हो रहा है, ठीक, इसको नोट कर लिया है। व्हाट्सअप सीन नहीं होता है, ठीक, इसको नोट कर लिया है। और किसी को टेक्स्ट मैसेज करना है तो कृपया करिए। हम जल्दी फेसबुक लाइव के माध्यम से ही आप लोगों को एक कॉमन व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करेंगे, जिस पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। हो सकता है कि सरकारी मोबाइल काफ़ी व्यस्त होने के कारण व्हाट्सअप सीन नहीं हो पाता हो टाइम पे, तो एक हम जनरल व्हाट्सअप नंबर इस पर शेयर कर देंगे, जो सिर्फ इसी काम के लिए होगा। आपके जो सुझाव या जो आपका कंप्लेन होगा वह आप उस व्हाट्सअप नंबर पर करेंगे तो उसको प्रॉपरली हम लोग सीन करेंगे। टाणी बाजार का मेरे नॉलेज में है, उस पर कार्रवाई हो रही है। रत्नेश कुमार सिंह राजपूत,
केस नंबर का फाइल देखने के बाद ही बता पाएंगे। प्रेमचंद्र बैठा अपना थाना, थाना लिखिए, थाना कौन सा थाना? आप सुझाव करिए अरविंद कुमार यादव, इसको जो आप लिख रहे हैं टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं उसका सुझाव करिए कि कैसे मेलजोल और बेहतर होगा, आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं ऑफिस में, ऑफिस आवर्स में 11 बजे से 3 बजे तक। अभी हम लोग 5 मिनट और रहेंगे फेसबुक लाइव पे, अगर किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज करना है तो कृपया कर दीजिए। दानी सिद्दीकी नदीम, आपका सुझाव नोट कर लिया है। नहीं आज लाइट नहीं जाएगी। दरौली, दरौली में शराब का कारोबार जोरों पर चल रहा है, ठीक इसको नोट कर लिया। रत्ने सिंह राजपूत, आपका सुझाव अच्छा है। यशराज शर्मा, बहुत अच्छा सुझाव। देवांशु सिंह, कोई FIR नंबर हो तो बताएं। पासपोर्ट में किसी को कुछ नहीं देना है, ये बहुत ही गलत है। यदि कोई SSP कंप्लेन दीजिए तो कार्रवाई होगी। आशी नगर सीमान, ठीक ओके फ्रेंड्स, टाइम हो गया इसलिए हम अभी ऑनलाइन समाप्त करते हैं।
फिर प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि अगर हम फ्री हैं तो 12 बजे आपके साथ ऑनलाइन में आपसे संवाद करेंगे। थैंक यू।